ओके okay, चलो टेक योर प्लेसेस फास्ट एवरीबॉडी शुरू करें चलिए शुरू करें गाइस बच्चों अरे ओ ब्लू टिक नो रिप्लाई मेरे साथ ऐसा मत करो वो तुम्हारे एक्सपेक्ट के साथ करते बैठो मेरे को कोई लेनदेन नहीं अपने को इधर ब्लू टिक हुआ तो रिप्लाई चाहिए क्या चाहिए समझ में आया क्या नहीं तो वही टिक में घुस के मारूंगा याद रखना चलो स्टार्ट करे बोलो ऐसा ना ओके फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट थिंग पूछो क्या कल अपन ने बहुत ज्ञान पेला तुमको बोलो हाँ है ना तो आज थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं अदरवाइज पता चला कि सर इतना सारा तुमने कल पेल दिया जीवन में कि घर जाने के बाद तो ऐसा लगा कि है है मैं सीए कर रहा है या लॉयर बन रहा ना। है? सो so, आरुभा क्या हुआ ब्रेड चाहिए के? अच्छा ब्राइटनेस चाहिए उधर का लाइट बंद करना Are you guys ready? बोलो हाँ ना। ओके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कल क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेता है ठीक है कल हमने सबसे पहले डिफरेंस देखा था व्हाट डू मीन बाय सिविल लॉ तो मुझे बताओ सिविल लॉ क्या होता है गाइस? अरे महादेव मित्रों। ओके तो सबसे पहले कल हमने पढ़ा था व्हाट डू मीन बाय लाइव स्ट्रीम में भी हर महादेव व्हाट डू सो व्हाट डू मीन बाय सिविल लॉ एंड व्हाट डू मीन बाय बायोले क्रिमिनल लॉ मुझे सिविल तो लॉ क्या होता है गाइस ना कल माथा फोड़ फोड़ के पढ़ाया और आज क्या सिविल लॉ मतलब सर सक्सेस एंड वॉट ड्यू मीन बाय क्रिमिनल लॉ सक्सेस प्लस लेसन अरे सिविल लॉ मतलब आपको आपका हक चाहिए साथ में डैमेजेस चाहिए एंड क्रिमिनल लॉ मतलब आप सामने वाले को पनिश करना चाहते हैं जेल या पेनोल्टी के थ्रू इज इट वेरी क्लियर बोलो ना सिविल और क्रिमिनल तीन टाइप के लॉज होते हैं एक सिविल एक क्रिमिनल कॉमन लॉज समझ में आ रहा है सबको बोलो ये सो नो कल हमने साथ में देखा था कैबिनेट भी और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बोलो ये सो नो मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कितने मिनिस्ट्रीज हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज फिफ्टी एट

माइट भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हम सिर्फ पढ़ेंगे या लिखेंगे क्योंकि पिछले चार लेक्चर से या तीन लेक्चर से हम कंसिस्टेंटली कंटेंट 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 इंडेंट खेलते आ रहे हैं पर आज हम ये करेंगे कि पिछले तीन चार लेक्चर से हमने जो भी पढ़ा है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स का पर वो एग्जाम में लिखना कैसे है ये अभी तक हमको नहीं पता तो, तो टुडे वी विल वर्क ऑन द लास्ट थ्री डेज कंटेंट एंड हाउ टू पुट इट इन टू एग्जाम फॉर्म मतलब उसमें से आंसर राइटिंग आज हम निकाल लेंगे सो दैट हम इसको बड़े प्यार से लिख पाए एग्जाम के लिए आर यू अंडरस्टैंडिंग जोर से बोलो नो तो आज मैं तुमको थोड़ा सा मॉड्यूल के सफरिंग से लेके जाता हूं सफर से नहीं सफरिंग से क्यों

बोलो हाँ या ना फेडरल वेडरल वाले और फिर हमने कल सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में ज्ञान देखा अब एक्चुअली मेन कंटेंट जो है वो सिविल और क्रिमिनल लॉ से शुरू होता है इन पैराग्राफ से हम पढ़ना शुरू करेंगे पर इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमको लिखना क्या है दैट इज आफ्टर मैथ ये पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा ठीक तो है तो चलिए शुरू करते हैं क्रिमिनल लॉ वाला पहला सेंटेंस सब्जेंस में स्टार्ट करेंगे रीड करना रेडी वन टू थ्री बोलो क्या है criminal law is a concern with the laws pertaining to violation of the rule of the law or public wrongs and punishment of them criminal law is governed under the indian penal code 1860 and code of criminal procedure 1973 the indian penal code 1860 defines the crime its nature and the punishment whereas criminal procedure code defines the exhaustive procedure फॉर एक्सिक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम्स मर्डर रेप फ्रॉड चीटिंग असोल्ट आर सम्पल्स अंडर द लॉ आर यू अंडर तुमको क्रिमिनल लॉ का मीनिंग जब पता है तो तुम इसको समझ सकते हो पढ़ते पढ़ते पीछे दिमाग में आ रहा था कि पेनालाइज करना है जेल में डालना है बोलो हाँ है ना सो दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड बिफोर रेडिंग दिस नाउ सिविल लॉ रेडिंग सब्जन साथ साथ में वन टू थ्री बोलो क्या है मैटर्स ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवी थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ दिविलगेशन को अगर आप सिर्फ डैमेज करोगे तो सिविल केस बन रहा है डैमेजेस वाला केस बन रहा है समझ में आ रहा है बोलो हाँ एवरीबडी ये नो लेकिन अगर आप किसी को पर्सनली डैमेज करोगे

बराबर स्पेलिंग एस आई ओ एन होता है C -I -O -N होता है, है? ठीक so, को जैसे कोरशन आपको पता होगा तो हम किसी को अगर फिजिकली करते हैं, या उसको थ्रेट भी देते हैं डैमेज करोंग ये वर्ड यूज किया मतलब पर्सनली आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो आर ट्राइंग टू से और उसके लिए क्या बोला जा रहा है पनिशमेंट वही नीचे क्या बोला है वायलेशन ऑफ सर्टन राइट एंड ऑब्लिगेशन देखो लैंग्वेज में कितना चेंज है पब्लिक रॉन्ग से हमको समझ में आ रहा है कि किसी को आपने पर्सनली डैमेज किया है या पब्लिकली डैमेज किया है और नीचे आपने किसी को डैमेज नहीं किया उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन को ही आपने सिर्फ तोड़ा है ब्लूटिक तीसरा नो रिप्लाई अरे क्या चल कर रहा है क्या इसके पहले किसका लेक्चर था तो जीबी सर ने बहुत पेला क्या तुमको जीवन में इसलिए तुम तो ऐसे निपचित पड़े हो क्या पाँच छे लोगों की आत्मा तो भारी मिली आने के पहले के अरे बोले अंदर मत जाओ बॉडीज मिलेगी बोले आपको ये किसका भी लेक्चर मेरे पहले अपने को रिप्लाई चाहिए हा? अपने तो नहीं तो मैं ब्रेकअप कर लूंगा याद रखना ठीक है तो सो समझ में आ रहा है लैंग्वेज बोलो या हाँ ना सबसे पहला क्या है बोले एक से पब्लिक रॉन्ग और दूसरा वाला क्या है वायलेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखो पब्लिक मतलब रॉन्ग का मतलब फिजिकली मेंटली हरेसमेंट या डैमेज करना ऑब्लगेशन और राइट का डैमेज का मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लो तुम्हारा राइट right है कि भाई साहब तुमको अगर कोई त्रास दे या तुम्हारा राइट right है इलेक्शन के अंदर वोट करना अभी इलेक्शन आ रहे बोलो हाँ है ना समझो इलेक्शन के दिन किसी ने तुमको रोक के रखा एंड वोट ही नहीं करने दिया क्योंकि उसको पता चल गया तुम मोदी जी को वोट करने वाले हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या एक क्रिमिनल सिचुएशन बन सकता है नहीं दिस कैन बी ए कौन सा बोले एक बार सिविल वाला केस इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं सो so, ये चीज को आपने याद रखना नीचे द एक्ट से सब लोग पढ़ेंगे द एक्ट से रेडी वन टू थ्री बोलो क्या है द एक्ट ऑफ द प्रोसेस एंड द फर्दर क्लासिफाइड इन टू कौन कौन सॉरी माई मिस द एक्ट of process and the administration of the civil law are governed by civil procedure code civil law can be further classified into कॉन्ट्रैक्ट फैमिली प्रॉपर्टी लॉ ऑफ टॉट अब इन्होंने प्रॉपर्टी लॉ भी सिविल में डाला है लेकिन मैंने जैसे आपको बोला था कि कुछ वो जीरो केसेस होते हैं जिसके अंदर आप उसको क्रिमिनल चार्जेस में भी खींच सकते हो क्लियर है नीचे सम एक्साम्पल्स ऑफ द सिविल ऑफेंसेज ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स नॉन पेमेंट अबाइ देंडर सेलर डिफेमेशन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दो बार लिखा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना मैं बोला था ना इंस्टीट्यूट मॉड्यूल ठीक और अपन मॉड्यूल ही लिया है क्योंकि अपने को लैंग्वेज मॉड्यूल का चाहिए क्योंकि आपको मार्क्स मॉड्यूल के लैंग्वेज पे ही कॉमन लॉ मुझे कॉमन लॉ क्या होता है क्या होता है कॉमन होता है हाउ क्लेवर स्मार्टेस्ट गाइज इन द गैलेक्सी नये को पढ़ो इसको सब जन साथ में वन टू थ्री बोलो क्या है द जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द केस लॉ इज कॉमन लॉ अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डॉक्ट्रिन ऑफ द स्टेयर डिसीज ज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग द कॉमन लॉ इट इज अटिन फ्रेज दैट मीन्स टू स्टैंड बाय विच इट इज डिसाइडेड अब आपको पता होगा कि इंडिया में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन फाइनल माने जाते कल मैंने यही चीज बताई थी जस्टिस का मतलब हाँ है ना अब एक्चुअली बताऊ तो मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को इन ही रीजन की वजह से गाली देता हूं बेसिकली देखा जाए तो कॉमन लॉ का मतलब जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों आउटपुट हो सकते हैं इन्होंने कॉमन लॉ का सिंपल मतलब क्या बोला है इन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के डिसीजन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के डिसीजन आर द कॉमन लॉज कॉमन लॉज मतलब आप जो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के डिजेंस पढ़ोगे बस वही कॉमन लॉ है एक्चुअली कॉमन लॉ का मतलब होता है दोनों आउटपुट निकलने वाला तो लॉजिकली मेरे को याद रखो इंस्टीट्यूट को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है इज इट वेरी क्लियर जोर से नो अरे बोलो हाँ या ना तो ये चीज को आपने याद रखना तो एग्जाम में अगर पूछा व्हाट इज कॉमन लॉ तो आपने क्या बोलना है जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बोला हाई कोर्ट भी नहीं बोला सर हाई कोर्ट क्यों बोलेंगे हर एक चीज सुप्रीम कोर्ट में तो जाती है नॉट नेसेसरी 25 फाइव हॉकआउट में बहुत सारी चीजें डिसाइड होकर वहीं पर रुक जाती है

कहना क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस देश में कोई भी डिसीजन दिया तो आपका काम यह बनता है कि जो डिसाइडेड है उसके ऊपर वापस से केस नहीं करना है जो डिसाइडेड है उसको मानना है और जो इस लॉ में डिसाइडेड है कोर्ट ने डिसाइड कर लिया आप उसको इस देश का कॉमन लॉ मानते हुए आगे बढ़ते रहिए क्लियर सेम क्वेश्चन के ऊपर वापस से कभी लिटिगेशन नहीं होगा वंस डिसाइडेड ऑलवेज डिसाइडेड इसको वो कॉमन लॉ कह रहे हैं

शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस एंड इट्स रूल अगेंस्ट दिजुडाइस पहले घंटा यही समझ में नहीं आ रहा था यह समझ में नहीं आ रहा तो ये पढ़ा हमने तो पता चला ये भी समझ में नहीं आ रहा है आगे समझेगा डोन्ट वरी ऑडी अब ऑडी क्या को आई बीच में ऑडी अल्टेराम पार्टेम लिटरली हियर अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग सेम ये भी नहीं समझा ये भी नहीं समझा आगे एंड रीजेंट डिसीजन आर द रूल ऑफ द नेचुरल जस्टिस अ जजमेंट कैन ओवर राइड अल्टर कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवर राइड अ चेंज घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था सी मुझे नहीं पता क्यों पर यह इंस्टीट्यूट का थोड़ा अजीब चीज है ऐसा नहीं फाउंडेशन पे आई वॉन्ट टू प्रिपेयर यू फॉर द इंटर ऑल्सो इंटर का नियरली ट्वेंटी थर्टी परसेंट सिलेबस वैलियत यूनियस यूनियस्टस एक्सक्लूस अल्टेरियस सच में एजूस डेम जेनेरिस ये ऐसे कुछ टर्म्स है ना लैटिन वाले जो इंस्टीट्यूट रखती ही है सिलेबस में उनको भी नहीं पता क्यों उनको ऐसा लगता है कि ऐसा तो भी डाला तो बहुत अच्छा लगता है करके क्योंकि उनको पेपर नहीं देने ना समझ में आ रहा है अब सवाल है सर क्या ये हमको याद करने पड़ेंगे लैटिन मैक्सिमास जहां तक हो सके यस जो भी चीज मॉड्यूल में लिखी है ट्राई टू रिमेंबर द सेम अगर तुम्हारे लक अच्छे है तो वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि इसको लैटिन में क्या बोलते हैं उल्टा ही आपको पूछेंगे कि टेल व्हाट इज व मीनिंग ऑफ नेमो जुडिक्स इन कौसा जूडे और तुमने बोलना इसका मतलब क्या है ठीक है नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर से फिर अपन राइटिंग के ऊपर जाएंगे ठीक है ओके आपको क्या लगता है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल जस्टिस व्हाट इज नेचुरल जस्टिस नेचर को जस्टिस देना अनंत अंबानी कर रहा है फिलहाल नेचर को जस्टिस देना बोलो हा है ना वो नहीं है दूसरा इज़ नेचुरल ओके तुम क्लास में बैठे हो बहुत प्यार से ठीक है मैं अच्छे से पढ़ा रहा था सब सही चल रहा था तुम्हारे बाजू वाला उठा और जोर से तुम्हारे कान के नीचे बजाई ट्राई करो एक बार ठीक है सो जोर से तुम्हारे क्या बोले एक बार कान के नीचे बजाई इमीडिएटली तुम्हारे मन में क्या आया इसको तो मारूंगा दिस इज नेचुरल जस्टिस बिना किसी रीजन के अगर किसी ने आपको टॉर्चर किया तो आप क्या चाहते हो बदले में बदला लेना बदले में क्या लेना बदला लेना दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दोस्त तुम्हारा एक दिन गाड़ी मांगने आता है भाई सुन ना मेरे को गाड़ी चाहिए घूमने जाने का है। अगर तुम उसको गाड़ी देते हो तो नेक्स्ट टाइम तुम यह भी एक्सपेक्ट करते हो कि तुमको जब गाड़ी लगे

मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं कॉमन पीपल ठीक है तो तुम किसी के बर्थडे में जाते हो तो तुम गिफ्ट लेके जाते हो शादी में जाते हो तो बूके वगैरह लेके जाते हो बोलो हायना बोली क्यों रहा हूं मैं नॉर्मल जो इस क्लास के बाहर लोग होते हैं ना वो जब बड्डे वड्डे में जाते हो तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं शादी वादी में जाते तो फुकट का खाना नहीं खाते हैं वो गिफ्ट लेके जाते हैं समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना और जब वो ऐसा गिफ्ट वगैरह लेके जाते दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब ये कहीं लिखा नहीं है बट यू जस्ट फॉलो इट समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना जोर से बोलो नो नॉर्मली आपने कई बार देखना तुम कभी किसी मंदिर वगैरह में जाते हो और वहां पे प्रसाद वसाद खाते हो या महाप्रसाद खाते हो तो तुम कुछ ना कुछ दक्षिणा वहां पे देके आ जाते हो अब इसको नहीं मत बोलना प्लीज ठीक है तो तुम वहां पे कुछ महाप्रसाद के लिए कुछ दक्षिणा वगैरह देके आते हो कि आगे जाके कोई बंदा आए तो वो कुछ ना कुछ खाना वहां पे मंदिर में खा पाए दिस इज कॉल्ड एस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ठीक है दिस इज वेरी नॉर्मल रूल अब यहाँ पे क्या बोला है यहां बोला है कि किसी भी पर्सन को खुद के केस में नेचुरल जस्टिस देने के लिए जज बनने की जरूरत नहीं है कि वही अपेक्स है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि सब लोगों को समान अधिकार देते हुए खुद के राइट्स को इंप्लीमेंट करना ठीक है फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा अच्छे से रोड से आप जा रहे थे आपकी गाड़ी लेते हुए रस्ते चलते चलते आपने गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी को ठोक दी ठीक है आपने कई बार रोड रेजेस देखे होंगे एकदम से लोग भड़क जाते हैं गाड़ी ढूंक गई ये क्या हो गया ये, वो नॉर्मली जिसका गलती है वो सामने वाले को कंपेट करता है बोलो है हाँ ना पर आपने देखना कि ये पूरा कंपेंसेशन देने के पहले दोनों के बीच में वार्तालाप होता है थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स का थोड़ा सा बुरे वर्ड्स का बोलो है हाँ ना मतलब दोनों पार्टीज को बोलने का मौका मिलता है खुद का पक्ष रखने का मौका मिलता है खुद का पक्ष रखना दोनों पार्टीज को बोलने का मौका मिलना और फिर डिसाइड करना कि कौन सही है कौन गलत है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो इन्होंने यही बोला है कि खुद के केस में खुद जज ना बनो दूसरे को भी बोलने का मौका दो दूसरा जो है ना ऑडी अल्टरेम पार्टेम स टू हियर द अदर पार्टी आप खुद का डिसीजन मेकिंग करके मत निकल जाओ गाड़ी ठोकी तेरी ही गलती है ये बोल के बात नहीं बनेगा आपको क्या करना पड़ेगा सामने वाले को बोलने का मौका देना पड़ेगा दोनों की चीजें सुनी जाएगी और फिर उसके बाद में आपका जस्टिस निकल पाएगा सो दो चीजें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में याद रखनी है कि खुद ने जज बनने का नहीं दूसरी बात दोनों पार्टीज को प्रेजेंट होने का मौका मिलना चाहिए और तभी जाके जस्टिस निकल सकता है आपने देखा होगा कई बार कोर्ट रूम का सीन इवन मर्डर के केस में भी अगर किसी को कॉन्वर्ट किया जाता है ना तो जज एंड में पूछता है कि भाई तेरे को कुछ बोलना है क्या तेरे पक्ष में अरे बोलो ना या ना तो ऐसे सिचुएशन में दैट इज नेचुरल जस्टिस जज भी नेचुरल जस्टिस प्रोवोक कर रहा है कि भाई तू भी बोल अगर तेरे को कुछ बोलना है तो सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं जोर से बोलो एक बार ऐसा नो तो अब ये चारों के ऊपर हम थोड़ा सा राइटअप लिख लेंगे जो इंस्टीट्यूट से मेल खाता है और हमको याद रहे ठीक है तो नीचे हेडिंग डालिएगा सब लोग इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम ये मेन हेडिंग रहेगा सेंटर ऑफ द पेज पे लिखना टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम उसके अंदर सब हेडिंग द क्रिमिनल लॉज द क्रिमिनल लॉस ओके मैं कुछ कीवर्ड्स भी बोलूंगा लिखवा देने के बाद उनको मार्क करके रखना ये कीवर्ड्स तुम्हारे आंसर में दिखने चाहिए ठीक है एक बात समझना मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दो थोड़ा सा तुम्हारा मैं दिमाग सेट करवा दू ठीक है मुझे एक बात बताओ एक वैल्यू और जब आपका पेपर चेक करता है तो कितने समय तक चेक करता है अच्छा तुम्हारा पेपर चेक कौन करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है कंफर्म आर यू श्योर sure? पक्का श्योर हो सब लोग कि सीए चेक करेगा करके क्या वो इतना गरीब है करे? क्या वो इतना गरीब है कि दो सौ रुपए पर पेपर चेकिंग के हिसाब से तुम्हारे पेपर चेक करने के लिए लेगा क्या उसको जिंदगी से प्यार नहीं है खुद के अरे बोलो तुम्हारे आंसर पढ़ने के बाद मौत ना आ जाए उसको <laughs> मुझे बताओ क्या वो इतना गरीब है कि उसको पेपर चेक करने की इच्छा है एक बात आपने याद रखना तुम्हारे पेपर कंफर्म सीए चेक करता है दैट इज फॉर श्योर पर कौन सा सीए ये, ये भी बहुत मायने रखता है अच्छा कोर्स मेंबर ऑफ आईसीए है सीए ही होता है ये कैसी बात है सो so, कौन सा सीए तुम्हारे पेपर चेक करता है That is very important. पहली बात तो तुम्हारे पेपर वो सीए चेक करता है जिसको पैसे की जरूरत है मतलब ऐसे बंदे जो नॉर्मली पास होते से ही जॉब नहीं कर रहे हैं खुद का प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं को पैसे की जरूरत है प्रैक्टिस तो विद इन ईयर सेट नहीं होती ना एक प्रैक्टिस सेट करने के लिए यू हैव टू रन फॉर डेज एटलीस्ट तीन साल तक के जब तक आप काम नहीं करते तब तक तुम्हारी प्रैक्टिस सेट नहीं हो सकती तो फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉर्मली हु हैव नॉट सेट अप देयर प्रैक्टिस एंड नॉट इन्वॉल्व इन द जॉब वो छोटी मोटी कमाई के लिए नॉर्मली पेपर चेकिंग का काम हाथ में लेते हैं क्योंकि नॉर्मली तुम्हारे पेपर के लिए जो रेट डिसाइडेड है मैंने सुने हैं इट इज नियरली वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड रुपीज पर पेपर हां और एक दिन में अगर किसी सीए को अगर कमाना है एक दिन में किसी सीए को अगर कमाना है अच्छा खासा पैसा जो फ्रेशर है अगर वो दिन का दस बीस हजार रुपए भी, भी कमाए तो क्या ना कंसिडर इट इज गुड इनकम फॉर दैट डे मंथ की नहीं बोल रहा दिन का दस हजार मतलब महीने का तीन लाख हो गया बोलो हाँ है ना सो so, दिन का दस बीस हजार भी उसको मिल जाए तो ही विल बी हैप्पी नाउ टू हंड्रेड या वन फिफ्टी पर डे के हिसाब से पर पेपर के हिसाब से अगर वो पेपर चेक कर रहा है तो दिन का ही विल ट्राई कि वो दिन का कम से कम 10 पंद्रह हजार बीस हजार रुपए कमाए बोलो हाँ या ना तो कहना है इससे कि एक सीए जो अभी अभी सीए बना है जिसका प्रैक्टिस सेट नहीं हो रहा है वो दिन का 100 पेपर चेक करेगा मिनिमम बोलो हाँ है ना तब जाके वो पंद्रह से बीस रुपए कमाएगा दिन का सौ पेपर चेक करेगा चलो चार पांच घंटे चेक करेगा चार पांच घंटे पांच छह घंटे मैक्सिमम क्योंकि इतनी तो इंटरेस्टिंग तुम्हारे पेपर नहीं है ना चलो छह घंटे मैक्सिमम उसने चेक किया तो थ्री हंड्रेड मिनट्स हुए कितने मिनट्स हुए सब जन बोलो थ्री हंड्रेड मिनट्स थ्री हंड्रेड मिनट्स डिवाइडेड बाय हंड्रेड पेपर्स थ्री मिनट्स पर पेपर आर यू अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और शॉक कर दो तुमको थोड़ा और शॉक मिनट्स डिवाइडेड बाय फिफ्टीन क्वेश्चन थ्री मिनट्स डिवाइडेड बाय फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन सौ मार्क का पेपर है ना पांच मार्क का भी एक पूछा चलो बीस क्वेश्चन पर पेपर कितने सेकंड आ रहे बेटा पर क्वेश्चन कितने सेकंड आ रहे थ्री मिनट पर पेपर तो पर क्वेश्चन कितने सेकेंड बीस से पच्चीस सेकंड बारह से बीस चलो दस से बीस सेकंड मैक्सिमम जोर से बोलो या हाँ ना मतलब कोई भी वैल्यूअर जब तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है तो इतने ही देर तक के वो पेपर चेक करेगा जितनी देर में मेरा डायलॉग खत्म होगा बोलो हाँ ना तो उसने तुम्हारा क्वेश्चन देखा देखने से लेके खत्म करने तक के पंद्रह सेकंड में उसका टीका जाना चाहिए तो तीन मिनट में एक पेपर होगा और छह घंटे में सौ पेपर होंगे तब जाके वो पंद्रह से बीस हजार रुपए कमाएगा बोलो हाँ ना, डू यू थिंक छह घंटे से ज्यादा काम करेगा नहीं करेगा तो ज्यादा पेपर चेक करने की कोशिश करेगा बोलो है हाँ ना? अब जब तुम्हारे आंसर एक आंसर पंद्रह से बीस सेकंड में चेक हो रहा है तो क्या ही रीड करता होगा रे वो हो? समझ रहे हो कुछ रीड करता होगा क्या नहीं तो वो सिर्फ क्या ढूंढता है पता है उसके लेफ्ट हैंड में होता है मॉडल आंसर शीट राइट right हैंड में होता है पेन आईपैड जो भी है इधर उसको लेफ्ट हैंड शीट के अंदर की दिखते हैं राइट हैंड में तुम्हारी आंसर शीट के अंदर वो की तीन मिनट मैंने मैक्सिमम टाइम बोला ये कभी ढाई होता है कभी दो होता है और तुम्हारा पेपर अगर खराब रहा एक मिनट दस बीस सेकंड बहुत हो गए वो तो पहले ही झटके में समझ में आ जाएगा उसको एंड दैट इज समझ रियलिज्म आ रहा है अरे रियलिज्म आ रहा है क्या सो दैट इज तुम्हें बहुत जरूरत होती है कि तुम्हारा आंसर ऐसा दिखे जैसे इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट किया है एंड इसका एक ही तरीका है सॉल्व करने का पूछो क्या की क्या बोले एक बार की वर्ड्स अगर उसको 10 सेकंड में जो की मॉडल आंसर में लिखा है वो की तुम्हारे पेपर के अंदर दिख गए तो तुमको मार्क्स मिल गए अदरवाइज तुमको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे ज इंसिस्ट ऑन की भाई राइटिंग प्रैक्टिस करो क्यू क्योंकि keywords replicate करने का काम आना चाहिए इज इट वेरी क्लियर गाइज जोर से बोले तो चलो लिखते हैं है, फोकस करना अच्छे तरीके से सबसे पहले क्रिमिनल लॉ हेडिंग डाल दिया सबने बोलो हा है अब की वर्ड्स के साथ में हम चलेंगे लिखना सबसे पहला पॉइंट इट रिलेट्स टू वॉयेशन ऑफ द रूल इट रिलेट्स टू वॉयशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ it relates to violation of the rule of law. it relates to violation of rule of law. comma. public wrongs. violation of rule of law. comma. public wrongs. comma. punishment for same. comma. punishment for the same. point number two. this category is governed by this category is governed by this category is governed by indian penal code 1860 this category is governed by indian penal code 1860 indian penal code 1860 comma criminal procedure code 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 तो हमने दोनों लॉज के नाम लिख लिए पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर थ्री इंडियन पिनल कोड स्टेट्स पॉइंट नंबर थ्री इंडियन पिनल कोड स्टेट्स इंडियन पिनल कोड स्टेट्स द टाइप ऑफ ऑफेंसेस द टाइप ऑफ ऑफेंसेस The type of offenses which are criminal in nature, type of offenses which are criminal in nature, type of offenses which are criminal in nature, and criminal procedure code, and criminal procedure code states procedures, and criminal procedure code states procedures for punishment of such crimes. criminal procedure code states procedures for punishment of such crimes. last point. murder, rape, theft, fraud, cheating. murder, rape, theft, fraud, cheating. etc. etc. आर क्रिमिनल ऑफेंसेस आर क्रिमिनल ऑफेंसेस, आर क्रिमिनल क्या लिखा जो से? ऑफेंसेस। लिख लिया सबने बोलो हाँ ना? चलो सेकंड सिविल लॉ अच्छा जो अभी लिखा वो समझ में आया पॉइंट वाइज फॉर्म में एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्या है आप भी क्या कर सकते हो इसको ऐसा कैसा लिख सकते हैं अपन बोलो हा चलो नेक्स्ट हेडिंग सिविल लॉ point number 1 the matters of disputes the matters of disputes the matters of disputes between individuals or organizations the matters of disputes between individuals or organizations matters of dispute between individuals and organizations are dealt with under civil law individuals or organizations are dealt with dealt with under civil law point number 2 the civil court point number 2 the civil court Enforces violation of certain rights and obligations. The civil court enforces violation of certain rights and obligations. Civil court enforces certain violation of rights and obligations. Civil court enforces violation of certain rights and obligations. Next point the process and administration of civil law the process and administration of civil law process and administration of civil law is governed is governed by civil procedure code is governed by Civil Procedure Code 1908. Governed by Civil Procedure Code 1908. Next point. These laws can be further divided. These laws can be further divided. these laws can be further divided into into contract laws further divided into contract laws comma family laws further divided into contract laws comma family laws comma property laws comma laws of the tort comma laws of the tort what is tort सिविल रॉन्ग टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है जिससे किसी को डैमेज नहीं हो रहे हैं मतलब पर्सनली किसी को हर्ट या डैमेज नहीं हो रहा है नॉर्मल सिविल रॉन्ग ठीक है नेक्स्ट पॉइंट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ देम, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ देम आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ देम, सबको समझ में आ रहा है नेक्स्ट वन अगला हेडिंग कॉमन लॉज़, अगला सब हेडिंग कॉमन लॉज़, अगला सब हेडिंग कॉमन लॉज़, क्या होता है कॉमन लॉस कॉमन लॉज मैंने मैंने जो बोला वो नहीं इंस्टीट्यूट के हिसाब से क्या होता है अभी जो बोला मैंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आर कॉल्ड केवल एक बार कॉमन लॉज सिंपली इनका कॉमन लॉज का डेफिनेशन क्या है पब्लिक ने जो कॉमनली डिसीजन एक्सेप्ट किया है वो कॉमन लॉ है एक बार सब जन बोलो द डिसन एक्सेप्टेड बाय पब्लिक कॉमनली इज नॉर्मली अ कॉमन लॉ ये इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया सबने एक्सेप्ट कर लिया तो इट इज अ कॉमन लॉ आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जोर से बोलो नो तो ये चीज को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है कि इट इज कॉल्ड एज कौन सा कॉमन लॉ मैं ये सोच रहा हूं तुमको तो एक चीज बोलूं पर सोच रहा हूं बोलूं कि नहीं बोलूं झेल लोगे नॉर्मली मैं इसको इंटर के बाद फाइनल पे पेला करता था ऐसे नहीं यार कुछ तो भी डिसाइड कर लो आदमी को कंफ्यूज रख रहे हो तुम प्लीज टेल मी वेदर इट्स वर्किंग और इट्स नॉट वर्किंग ठीक इफ यू टेल मी इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा ओके सुनना है बोलो या ना। ओके, <laughs> झेल लेना ठीक है रेडी टू कैच कुछ ज्यादा हो जाएगा आई नो पर अभी क्या तुम समंदर में कुएं में कूदी गए हो तो तैरना तो सीखना पड़ेगा ठीक है आगे ना पीछे ये चीज तुमको देखनी ही पड़ेगी There are two types of laws in the world. In the कहां बोले एक बार world. यह दुनिया जो है ना ये दुनिया ये महफिल दो पार्ट में डिवाइड की गई है कितने पार्ट में बोले एक बार दो एक सिस्टिम जो है उसे कहा जाता है डी जॉयरे जे अगेन लैटिन मैक्सिमा वही सुस वाला एक डी जो है दूसरा सिस्टम इज कॉल्ड एज डी फैक्टो क्या कहा जाता है डी फैक्टो सुनने के लिए छोटू छोटू नाम है पर इनका क्या इंपैक्ट है जरा समझेगा बहुत अच्छे से डी जो सिस्टम में आप पकड़ लीजिए कौन कौन आता है सबसे पहले ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ने यूएस के ऊपर राज किया था एटीन हंड्रेड सेंचुरी की तक दैट्स दू यूएस ब्रिटिशर्स आ गए तो आधा यूरोप आ गया यूरोपियन यूनियन बोलो हाँ फ्रांस वगैरह सब ब्रिटिशर्स से अफिलियेटेड लोग इसके लिए आपको थोड़ा वर्ल्ड मैप का नॉलेज होना जरूरी है हाँ पता चला क्या ही बोल रहे सर और ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया है इसलिए इंडिया भी आ गया कौन आ गया बोले एक बार इंडिया और फिर तुम इसको सीधा कंपेयर कर लो गुरु मंत्र दे रहा हूं तुम उसको सीधा कंपेयर कर लो वर्सेस में वर्ल्ड वॉर टू के हिसाब से ब्रिटिशर्स के खिलाफ कौन से कंट्रीज खड़ी थी उनसे देर वॉज अ जर्मनी जो यूरोप से ही बिलोंग करता है जापान जो मेन दो बड़े देश है एक्सेट्रा लिख लेते बच्चों का नाम मेरे को भी नहीं पता पर ये दो कंट्रीज है जिससे बहुत फर्क पड़ता है आप इसमें चाइना वगैरह ले सकते हो बट चाइना ऑफ़ कंट्री वो खुद मर्जी से जो चलता है मतलब क्या होता है इंडिया में सिचुएशन क्या होता है इंडिया में अगर कोई केस या लिटिगेशन लेट से इंडिया में बहुत बड़े बड़े लिटिगेशन तगड़े तगड़े माने गए हैं उसमें से एक हाथ लिटिगेशन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रैक्टिस शुरू कर दी सी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रैक्टिस शुरू कर दी तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी इंडस्ट्री वगैरह आती है उनको टैक्स रेट कम लगते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब जहां स्पेसिफिकली इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आप फैक्ट्रीज वगैरह सेट करते हो तो वहां टैक्स रेट वो ऑटोमेटिकली कम रखते हैं सो दैट इंडस्ट्री ग्रो हो पाए अब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रैक्टिस डाल दी तो इंडस्ट्री को जो टैक्स रेट लगना चाहिए से 10 परसेंट लग रहा है के को, तो सीए ने भी अप्लाई किया कि भी इन इंडस्ट्री को हम सर्विस दे रहे, तो मुझे भी दस लगना चाहिए तो एक सवाल आया कि सीए इफ प्रैक्टिसिंग इन एस इसको थर्टी के जगह पे टेन टैक्स रेट लगना चाहिए यह क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन का हियरिंग चला गया एज अ सी ए इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पी आई एल क्योंकि इंडिया में जो ढाई तीन लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट में लिटिगेशन चला गया सुप्रीम कोर्ट में कहा चला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ओके फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स टेन परसेंट टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल फॉर द सी फर्म्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन एस जेड जो एस के कंपनीज को सर्विसेज दे रही है एक्सक्लूसिवली उनको 30 परसेंट टैक्स रेट नहीं लगेगा 10 परसेंट ही टैक्स रेट लगेगा तो उनका अच्छा खासा सेविंग हो जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बोल दिया ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया हा अब ये जो डिसीजन है ना सुप्रीम कोर्ट का ये वाला ही दस परसेंट टू एसीड वाली सी ए ये युगो युगो तक जन्मो जन्मो तक युगो युगो जन्मो जन्मो ऐसा ही चलता जाएगा सब कुछ भी युगो युगो तक जन्मो जन्मो थोड़ी चलता है चलता है ना वर्सेस चिन्हया <laughs> आधे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस तुम जिंदगी में जो पढ़ोगे जैसे चिनइया वर्सेस रामैया भी एक आएगा केस आगे आधे कॉन्ट्रैक्ट के जो तुम केसेस पढ़ोगे ना दो तीन नाम बोलता हूं फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सोसाइटीड सत्रह सो अठारह सो सेंचुरी वाला केस है जो दो सौ ढाई सौ साल बाद भी हमको पढ़ना पड़ने वाला है तो चल ही रहा है ना भाई युगो युगो तक जन्मो जन्मों तक जिनके ऊपर केस था वो भी निपट के उनकी पुश्ते निपट के खानदान खत्म हो गए हम स्टिल केस पढ़ रहे हैं अरे बोलो ना, सो दिस इज कॉल्ड एज डी ज्वायर सिस्टम इज़ कॉल्ड एसर सिस्टम डिज कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बार जो बोल दिया वो फाइनल है इस चीज के ऊपर वापस से कभी कोई लिटिगेशन नहीं होगा वापस कभी जिंदगी में कोई नहीं आएगा ये पूछने के लिए प्राइस टैग इन्विटेशन टू ऑफर है कि नहीं है बोल दिया प्राइस टैग इन्विटेशन टू ऑफर है बात खत्म पर लग नहीं रहा तेरा प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं इन्विटेशन टू ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर लिट से जिसको नहीं पता ऑफर आगे आएगा आई जस्ट से सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज इंडिया में बोल दी तो युगो युव तक जन्मो जन्मो तक वही मानी जाएगी ऐसा इधर नहीं है डिफेक्टो वालों में डिफेक्टो वालों में मालूम है क्या है उनके यहां पे आज अगर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने किसी सेम क्वेश्चन के ऊपर समझो द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ जापान उनके सीए मालूम नहीं जीवन में पर ले से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ जापान ने केस कर दिया कि वो भी एस के अंदर फर्म खोल रहे उनको टेन परसेंट टैक्स रेट चाहिए उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया हा टेन परसेंट टैक्स रेट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ जापान और सेम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दो हजार पच्चीस में वापस कोई लेके गया एक दो साल बाद और उसने केस तो दिया कि दस परसेंट नहीं है चालीस परसेंट चाहिए तो उनका सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स करके चालीस भी कर सकता है तो उनके यहां पे युगो युगो तक जन्मो जन्मों तक एक डिसीजन नहीं चलता समय के हिसाब से धारा बहेगी समय के हिसाब से धारा चेंज होगी द ओनली परमानेंट थिंग इज चेंज ये उनका मेन मोटो है दे गोस फैक्चुअल कि अभी क्या फैक्ट्स है अभी के फैक्ट के हिसाब से बता कल का ताजमहल नहीं चाहिए आज का झोपड़ा किधर है बताओ

जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे फास्टेस्ट माना जाता है अगर उनके यहां पे भूकंप आता है और एक पूरा रोड गायब आ जाता है तो उनके यहां पे रोड रेडीमेड पड़े हैं। रेडीमेड रोड रोड उठाते लगा देते बोले बन गया समझ में आ रहा है तो उनके कंट्रीज में ये चीज चल सकती है उनके कंट्रीज में चल सकता है कि कल जो डिसीजन दिया आज नहीं मानने का क्यों क्योंकि कल कोई सिचुएशन और थी बीच में हो सकती है एक आदि सुनामी आ जाए लोगों की सेंटिमेंट गायब दिस इज कॉल्ड एज डी फैक्टो This is बार, de facto. And of this de आपकी भी नहीं सुनता इस वजह से तुम्हारा ये डिसीजन आया यहां पर कॉमन लॉज वाला सुप्रीम कोर्ट बिकम्स अ कॉमन लॉ क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डी ज्वार सिस्टम में डिसीजन मेकिंग दे दिया तो तुमको सुनना ही पड़ेगा तुम्हारे पास जन्मो जन्मो तक युगो युगो तक दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यही आप जापान में बोलने जाओगे ना कॉमन लॉ वो बोलेंगे को कॉमन कॉमन इज कॉल्ड लॉ आज का झोपड़ा किधर है बता क्लियर बिकॉज कंपनी कंट्री ही थोड़ी सी अस्ताव्यस्त है इज इट वेरी क्लियर जोर से बोलो सुनो अब समझ में आया सिस्टम क्या बोल रहा हूं बोलो हाँ आना तो नीचे लिखिएगा कॉमन लॉ सर तुम स्मार्ट लग रहे हो थैंक यू लिख भी ले थोड़ा लॉज ऑफ टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग वाले लॉज जिसके अंदर किसी को पर्सनली हर्ट नहीं हो रहा जैसे मैंने मेंशन कर दिया बेटा चिन्मय स्टिक कैसे नाम रखते हो जीवन में ये लैटिन कम है जिंदगी में तुम्हारे नाम के अंदर कंफ्यूजन लूसीफर है भगवान नाम लूसीफर आगे लिखता है हर महादेव <laughs> लिखो पॉइंट नंबर वन कॉमन लॉज में द जुडिशियल प्रेसिडेंट द जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द केस लॉ द जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द केस लॉ इज अ कॉमन लॉ जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द केस लॉ इज अ कॉमन लॉ व्हाट इज जुडिशियल प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मतलब प्रीसाइडिंग प्रीसाइडिंग और सक्सीडिंग दोनों में डिफरेंस है प्रीसाइडिंग मतलब जो पहले आया तो अभी जो तुम्हारा लिटिगेशन है इसके ऊपर ऑलरेडी कोई हियरिंग हो चुका है प्रीवियसली कोई हियरिंग हो चुका है प्रेसिडेंटली चुका है तो उसे कॉमन लॉ कहा जाएगा जिस केस में तुम फंसे हो उसके ऊपर ऑलरेडी कोई डिसीजन मेकिंग हो चुका है तो उसे कॉमन लॉ कहा जाएगा सिंपली वो बोल रहे हैं पासिजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कॉमन लॉस तो ये जो टेक्निकल टर्म है जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग केस मतलब अभी जो केस है उसके ऊपर पीछे अगर कोई डिसीजन मेकिंग हुआ है दैट इज अ कॉमन लॉ आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जोर से बोलो यस और नो point number 2 a judgments delivered by the supreme court <coughs> the judgments delivered by the supreme court judgments delivered by the supreme court will be binding will be binding will be binding upon the courts will be winding upon the courts and the people and the people in territory of India upon the court and the people in territory of India. नेक्स्ट पॉइंट अब ये लिखना पड़ेगा मेरी इसमें कोई गलती नहीं है द डॉक्टर ऑफ स्टेयर डेसी स्पेलिंग मेरे को स्पेलिंग पूछ रहे हो तुम तो? उनको शर्म नहीं आती ये लो स्पेलिंग स्पेयर डेसी D C C. The doctrine of stare decisis -ce means to stand by, to stand by the principle, to stand by the principle which is already decided, <coughs> which is already decided. अब ये क्या जिंदगी है देखो क्या बोला है सेम प्रिंसिपल एंड जजमेंट बाई द प्रीवियस डिसीजन वाइल और ऑन द फोर लेग्स का ही संबंध अर्लियर डिसीजन लिखना आगे मैं इसको सॉल्व करके बोल दू वी आर द फैक्ट्स ऑफ द केस आर दिमिलर वी आर द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर नेक्स्ट पॉइंट Where facts of this case are similar to earlier decisions, facts of the case are similar to earlier decisions, then earlier decisions will always prevail. Then earlier decisions will always prevail. <coughs> <coughs> बोलो हा चलो यहां पर आपका खत्म हो गया कॉमन लॉ सिंपली चारों पॉइंट का मतलब एक ही है ऑलरेडी इस चीज के ऊपर कोई डिसीजन आ चुका है तो उस डिसीजन को मानना चाहिए इज इट वेरी क्लियर नेक्स्ट वाला लिखना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस principle of natural justice <coughs> point number 1 it deals with it deals with it deals with certain fundamental principles it deals with certain fundamental principles going beyond written law going beyond written law going beyond written law full stop usi mein continue karna which means which means where law does not exist <coughs> which means where law does not exist Follow follow the natural justice follow the natural justice as a rational man as a rational man. Again, next point. नेमो जुडेक्स इन हुआ क्या हुआ नहीं हुआ नेमो जुड़ेक्स इन नेमो जुड़ेक्स इन हुआ लिख लिया सबने विच मीन्स which means the person should not be judged for his own benefits <coughs> the person should not be judged for his own benefits which means person should not be judged for his own benefits in his own case person should not be judged for his own benefits in his own case Next point. Audi alteram partem. Audi alteram partem. Audi alteram partem. Which means, <coughs> which means, <coughs> before deciding any situation. Which means before deciding any situation, both the parties should be given opportunity. both the parties should be given an opportunity to present themselves. Both the parties should be given opportunity to present themselves. Both the parties should be given opportunity to present themselves. Last point. Simply this simply this principle means simply this principle means simply this principle means, this principle means no decision should be given for litigation simply this principle means no decision should be given for the litigation no decision should be given for the litigation unless all the parties has presented themselves unless all the parties has presented themselves <coughs> unless all the parties has presented themselves लिख लिया सबने जोर से बोलो ये सर नो तो यहां पे कंप्लीट होता है आपके टाइप्स ऑफ लॉस सबको समझ में आया बच्चों अब प्रॉब्लम सिर्फ एक है पूछो क्या इसको याद करके लिखते आना चाहिए ठीक है तुमको पानी तक पहुंचाने का काम मैंने कर दिया पर पानी पीने का काम तुम्हारा है वो मैं नहीं कर सकता अगर मैं काश कर सकता सर वो पेपर लिख के देने का ट्राई करो ना वो जम सकता है तो देखो नजारा एक बार दर्शन खरे 400 बार फाउंडेशन पास हुआ है ना एक ही एग्जाम में चलो आगे बढ़े बोले सर नौ ओके अब हम जा रहे हैं भाई साहब मिनिस्ट्रीज के ऊपर हमको अलग अलग मिनिस्ट्रीज पढ़ने हैं ठीक है चेके? और सभी मिनिस्ट्रीज को कितना बज गया सड़े ओके अलग अलग मिनिस्ट्रीज पढ़ने हैं और हमको हर एक मिनिस्ट्री को ठीक ठीक से अभी पढ़ना है और उसके क्या डिविजन वगैरह आते हैं ये पढ़ने हैं ठीक है चीके? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना सबसे पहले मिनिस्ट्री के ऊपर जा रहे हैं पहले मिनिस्ट्री का नाम क्या है जन बोलो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय कौन सा मंत्रालय वित्त कौन है दीदी बुलाती है ठीक है क्योंकि हर बार अमेंडमेंट देती मंत्रालय Hai with the, the ministry of finance is a ministry with the government of india. thank you so much. concerned with the economy of india, okay? serving as a treasury to the india. Bur. in particular, it concerns itself with the taxation, financial legislation, financial institution, capital market, center and state finance, and the union budget. एज अ चार्ट अकाउंटेंट मेनी ऑफ यूर डे टू डे वर्क लाइफ विल बी इंपैक्टेड बाय दिस मिनिस्ट्री एंड इट्स प्रोक्लेमेशन इंस्टीट्यूट एकदम पॉजिटिव नोट दे रही है तुमको देख रहे हो तुम देख रहे हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम एज अ चार्ट अकाउंटेंट यूवर्स डे टू डे वर्क लाइफ कैन यू जस्ट इमेजिन यही वो इंस्टीट्यूट बजाती है बाद में मॉड्यूल में बहुत अच्छा अच्छा लिख कर रखा है सिंपली बोला है चार्टर्ड अकाउंटेंट को विदाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कुछ करना बहुत मुश्किल है तुम्हारा डे टू डे वर्क लाइफ हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही कंसर्न रहेगा बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में जो लॉज है टैक्स लॉज फिनेंशियल लॉज कैपिटल मार्केट वाले सेबी वगैरह जैसे लॉज स्टेट या सेंट्रल फाइनेंस वाले आपका काम ही यह है कि आप इन लॉज के साथ डील करो और ये सभी लॉज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही गवर्न करता है

मतलब तीस दिन में से जब जीएसटी की वेबसाइट लॉन्च हुई थी तीस दिन में से बीस दिन तो बंद ही रहती थी इतना लोड था वो वेबसाइट के ऊपर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन यूनियन बजट यूनियन बजट मतलब हर फरवरी में आके निर्मला दीदी बोलती है कि आने वाले सालों में तुम्हारा कितना कटेगा टैक्स तो उसे कहते हैं यूनियन बजट क्या बोले एक बार यूनियन अभी अभी फेब्रुआरी में लिया ना यूनियन बजट टैक्स रेट्स वगैरह के लिए बोलो या ना this annual event is eagerly awaited by professionals and common man as it provides rates of taxes and budget allocation for the ensuing year who presented the maximum number of union budgets as a finance minister kisne sabse budget banaye as a finance minister so he is a morarji desai a finance minister between 1962 and 1969 has presented टेन यूनियन बजेट मेकिंग इट हाइएस्ट पर अब यह रिकॉर्ड टूट सकता है वापस अगर बीजेपी आया तो आएगी दीदी -दी। पर पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली भी होल्ड करते थे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दीदी -दी वापस है फाइनेंस मिनिस्ट्री में आई तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे मॉड्यूल में नाम चेंज समझ में आ रहा है विच इज विच इज फॉलोड बाई पी चिदम्बरम एट नाइन फॉलोड बाई प्रणब मुखर्जी एट एट फॉलोड बाय यशवंत सिन्हा मनमोहन सिंह एट एट एंड सिक्स बजट रिस्पेक्टिवली कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाई ना सो दिस इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नाउ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कितने पार्ट कंसिडर किए जाते हैं ठीक ठाक सा डायग्राम इंस्टीट्यूट ने दिया है द्स कंट्रोलिंग ऑथोरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फोर सेंट्रल सिविल सर्विस नेमली इंडियन रेवेन्यू सर्विस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विस इकोनॉमिक सर्विस एंड सिविल अकाउंट सर्विस ये चार सर्विसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ हैव यू हर्ड रेवेन्यू सर्विस रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स भी आता है एंड जीएसटी भी आता है क्या आता है बोली एक बार जीएसटी ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस सर्विसेस के अंदर वी आर गवर्न बाई ऑडिटिंग एश्योरेंस सर्विसेस जिसके अंदर अगर आप बोलो तो इंडिया का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड इंडिया का ऑडिटिंग फ्रेमवर्क आता है जिसको चेक करने का सबसे बड़ा काम हमारे पास ही दिया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ठीक है साथ में सी एस एंड सी एम एंस्टिट्यूट्रीब्यूशन देती है लीगल कंप्लाइंसेस के लिए एंड कॉस्ट ऑडिट के लिए नीचे इकोनॉमिक सर्विसेस इकोनॉमिक सर्विसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नॉर्मली प्रोवाइड कर सकती है जैसे इकोनॉमिक सर्विसेस के भाई साहब जितनी स्कीम्स रोजगार योजनाएं वगैरह चलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना सुना होगा मैक्सिमम गांधी फैमिली के ऊपर जितनी योजनाएं चल रही है रोजगार वाली दैट इज गिवन फ्रॉम देयर सिविल अकाउंट सर्विसेज मतलब अकाउंट कीपिंग सर्विसेज जो नॉर्मली हर मिनिस्ट्री को करना पड़ता है नीचे ऑल्सो अपेस कंट्रोलिंग ऑथोरिटी ऑफ वन ऑफ द सेंट्रल कॉमर्स सर्विस नेमली इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विसेस उन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विसेस का नाम दिया है रिगार्डिंग सीएम ए इंस्टीट्यूट आर इन्वॉल्व इन मेनी कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स हालांकि इट्स नॉट जस्ट दट सी एंस्टीट्यूट सी एस इंस्टीट्यूट भी होता है बट डोंट नो इंस्टीट्यूट को क्या हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस समझ में आ रहा है सबको जोर से बोले लिख लेते हैं इसको हेडिंग डालिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखना पॉइंट नंबर वन दिस मिनिस्ट्री इज कंसर्न विथ इकोनॉमी ऑफ इंडिया दिस मिनिस्ट्री इज कंसर्न विथ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड ट्रेजरी ऑफ इंडिया दिस मिनिस्ट्री इज कंसर्न विथ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड ट्रेजरी ऑफ इंडिया point number 2 specifically it deals with specifically it deals with specifically it deals with taxation <coughs> taxation comma financial legislation Taxation, comma financial legislation, comma financial institutions, comma financial institutions, financial institutions, comma capital markets, comma capital markets. Next point person holding the ministry is called as finance minister person holding the ministry called as finance minister <coughs> presents union budget every year person holding the ministry is called as finance minister presents union budget every year <coughs> presents union budget every year next point this budget deals with this budget deals with rate of taxes rate of taxes for indian public rate of taxes for indian public and budget allocation and budget allocation अब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकते हैं इसलिए लिखवाना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई हैज प्रेजेंटेड हैज प्रेजेंटेड हाइएस्ट नंबर ऑफ बजट्स हैज प्रेजेंटेड हाइएस्ट नंबर ऑफ बजट्स डेट हाईएस्ट नंबर ऑफ बजट स्टिल डेट हाईएस्ट नंबर ऑफ बजट स्टिल डेट फुल स्टॉप लिख लिया सामने बोलो हाँ ना? चलो उसके बाद के बचे हुए के भी आप नाम लिख सकते हो पर इतनी जरूरत नहीं है एक्चुअली अब इतने सारों के नाम तो लिखने नहीं चाहिए ठीक है फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का उन्होंने डिवीजन दिया है जिसको फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं ओके होल्ड कीजिएगा एक मिनट मुझे सिर्फ एक बार विजय सर से मिल के आना है तब तो तक के आप रिवाइज़ करो जो जो मैंने अभी लिखवा के दिया मैं जस्ट आया एक मिनट में तुमको तो रिवाइज करने को बोला ना मैंने बतियाने लग गए सब सर वो रिवाइज करने बोला मतलब सर बात करना ही होता है बात कर करके रिवाइज कर रहे थे एक सेकंड ना जस्ट वन सेकंड जिन ओके okay. समझ में आया सबको ये सुनो नो यहां पे हमने कौन सा मिनिस्ट्री देख लिया बोले एक बार जो से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद हम जा रहे हैं दूसरे मिनिस्ट्री के ऊपर जो अगेन दीदी के पास ही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कुछ तो गड़बड़े एक से. ओके, ओके, रेडी? अभी हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगेन किसके पास से बोले एक बार दीदी के पास पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बोला था कि चार लोग कॉर्पोरेट में गिने जाते हैं कितने लोग बोले एक बार चार सबसे पहले मैंने बताया था ना तुमको ये ने उंगलियों पे गिने थे याद है कंपनी एलएलपी कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन इनके रिगार्डिंग जितने भी लॉज है वो कौन गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ठीक है सो देखना इट इज इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अच्छा मेरे को लग रहा है युगांडा का पढ़ रहे अपन जीवन में प्राइमरीली कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हजार कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी बराबर है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट दो इंसॉल्वेंसी बैंक करपसी कोड दो हजार सोलह और यह भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है आपको मिनिस्ट्री ऑफ बताऊंगा जस्ट वेट रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ये भी गलत सलत बोला है मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाई सिर्वेंस ऑफ आईसीएल क्रेड वॉट इज आईसीड वॉट इज आईसीड यूपीएससी सुना है यूपीएससी

अरे हाँ स्ट्रेट लाइन सो आर डिफरेंट बाजों से ग्रेड्स पूछो क्या देर आर ग्रेड ए सर्विसेस देर आर ग्रेड बी सर्विसेस देर आर ग्रेड सी सर्विसेस एंड ग्रेड डी नहीं बोला जाता रेसिड्यूल सर्विसेस करके बोला जाता है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी रैंकिंग ग्रेड ए सर्विसेज सबसे टॉप क्लास माने जाते हैं जिसके अंदर बहुत खास सर्विसेस आती है जैसे कि आई एफ एस इंडियन फॉरन सर्विसेस आई एस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस आई सी सॉरी आई आर एस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेस एंड आई सी एल एस इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विसेस सो वंस यू पास यूपीएससी तो आपको ये चांस मिलता है कि आपने डिसाइड करना है कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए अच्छा एक और रह गया आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज तो आपने डिसाइड करना है कि इसमें से कौन से सर्विस सिचुएशन में आपने जाना है दीज फाइव मेन सर्विसेज एक हाथ और भी होगी इसमें मेरा जितना संक्रमित ज्ञान है संग्रहित संक्रमित जो भी संग्रहित ज्ञान है उसके अंदर मेरे को पाची पता है ग्रेड ए के तो आईसीएलएस इज ए इंडियन कंपनी ऑफ सर्विस विच इज अ ग्रेड ए सर्विस मतलब उन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सिर्फ वही ऑफिसर्स बैठते जिन्होंने यूपीएससी पास करके ICLS, मतलब ग्रेड ए सर्विस को को इंडियन कंपनी सर्विसेज चूज किया है कंसेप्ट में आ रहा है सबको हाँ है ना जोर से बुरे सर नौ ये चीज को याद रखना सर व्हाट इज ग्रेड बी ग्रेड सी तो ग्रेड बी के अंदर सर्विसेज जो आती है दो नॉर्मली फॉरेस्ट वगैरह से रिगार्डिंग आर नॉर्मली सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वगैरह से रिगार्डिंग ग्रेड सी में कौन सी सर्विस आती है uh, या तो फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये वाले आते हैं हालांकि म्यूनिपालिटी स्टेट सर्विस आता है ठीक है ग्रेड डी उसके तो मेरे को नाम भी नहीं पता क्लियर है आंसर तो इतने सर्विसेस मेन अपने काम का है आईसीएलएस दैट इज इंडियन कंपनी लॉ सर्विज वाले लोग एमसीए में बैठते हैं

चेयरमैन के नीचे आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंपनी लॉ सर्विसेज इज इट वेरी क्लियर जोर से बोल एक बार सो नो no. अब ये इन्होंने बोला है उसके नीचे अब ये सिर्फ बोला है पर ये बोला हुआ सिर्फ क्या देखना ठीक है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तुमने सुना तो ये चीज ऐसी नहीं है जो सिर्फ तुम सुनो इट इज समथिंग दैट यू शुड वॉच ठीक है सो व्हेनेवर यू गो टू गूगल इट्स वेरी सिंपल एम सी ए डॉट जी ओ वी डॉट इन ऐसा क्लिक किया इधर एमसीए का वेबसाइट खुल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ठीक है ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलो या ना दिस इज बोलो यस और नो और ये देखो उसके नीचे इन्होंने हेड्स दे के रखे हैं और फिर स्वच्छ भारत अभियान ठीक है और फिर मन की बात फलना ढकना मेन जो ब्रॉडर आजादी का महोत्सव प्रफु के सभी के सभी चीजें आती है मन की बात आ गया ये सब चीजें दी है इसके अंदर अगर आप जाओगे तो ये कितने लॉस को गवर्न करता है मैंने बोला ना कि इन्होंने गलत बोला है कि कितने लॉस को गवन करता है आई विल शो यू कि ये कितने लॉस को गवर्न करता है एक्ट एंड रूल्स व्हेन यू गो इनटू द एक्ट एंड रूल्स यू विल अंडरस्टैंड कि कितने लॉस को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्न करता है

गवर्न करता है जिसमें से दो से सिर्फ हार्डली तीन नाम उन्होंने दिए इज़ क्वाइट रॉन्ग ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप मिनिस्ट्री के बारे में लिख रहे हो तो सब कुछ लिखिए बच्चों को पता होना चाहिए कि, कि कितनी चीजों को यहां पे गवर्न किया जा रहा है देन इफ यू गो इन टू कॉन्टेक्टस बोले उसे कॉन्टेक्टर्स तो यहाँ ग्रेवियान सेल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है ये समझ में आएगा अब ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मेन डिजिग्नेशन चीफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारामन ये उनके फोन नंबर दिए डायरेक्ट फोन लगाने का बोलने का दर्शन सर ने बोला था आगे <laughs> उठाएंगे भी नहीं डोंट वरी <laughs> फिर उसके बाद में ऑफिसर्स दिए है नकुल, पी एस एस नकुलीएस पीएस पर्सनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चेयरमैन स्टाफ रूम ऑनरेबल सीएम ऑनरेबल एमओएस सी एमओएस मैंने बोला था ना कैबिनेट के नीचे बोलो हा तो ये लोग आते हैं फिर आपको बाजू में देखेगा डीजीसी ऑफिस डीजीसी मतलब अभी हमने पढ़ा था डायरेक्टर जनरल कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर बोलो हा आना जो बोला ना उन्होंने बोला हाईस्ट डिजिग्नेशन है मैंने बोला नहीं चेयरमैन होता है बोलो हाँ ना सो दिस इज डीजीसी डीजीसी ऑफिसर उसका फोटो भी नहीं लगाया बोले हाई एस्ट डिजिग्नेशन है उसका फोटो भी नहीं है ठीक है डायरेक्टर जनरल सिर्फ वहां पे उन्होंने फोन नंबर देके रखा नीचे नाम देके रखे रीचा कुकरेजा डायरेक्टर राजेश ये चेंज होते रहेंगे ये सब यूपीएससी पास आउट वाले लोग हैं और जिन्होंने आईसीएलएस सर्विसेज को ज्वाइन किया इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज एंड देन दे बिकम अ डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्यूटी डायरेक्टर एक्सेट्रा क्लियर है ऐसा आपको अगर कभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में जानना है तो आप लेफ्ट साइड देखिए पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट देखे रखे हैं पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट में जब हम जाएंगे ना तो ये वेबसाइट में आपको वापस से ओपन करके दिखाऊंगा फॉर द पर्पज ऑफ रीजनल डायरेक्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर द पर्पज ऑफ ऑफिशियल लिक्विडर्स उस वक्त हमारे लिए बहुत काम की चीज है

फीस पेमेंट्स ऐसे मैक्सिमम सर्विसेस यहां पे आपको मिल जाएंगे जितना भी किसी भी कंपनी का डाटा है ये वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है इज इट वेरी क्लियर गाइस जोर से बोले वॉट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और इन्होंने उसको सिर्फ इतने से बॉक्स में खत्म कर दिया है एनी वेज अपन कंपनी इसको छिन्न विचिन्न करके पढ़ेंगे फिलहाल इसको लिख के रखिए हेडिंग डालेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पॉइंट नंबर वन ये पॉइंट के दू का दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हा ना पॉइंट नंबर वन लिखना दिस इज अ इंडियन लिखना पड़ेगा क्योंकि कीवर्ड समझा जा सकता है पर उसको मैं कुछ ऐड करके दूंगा मिर्च मसाला लगा के सो so दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा ठीक है इट इज अ इंडियन मिनिस्ट्री इट इज अ इंडियन मिनिस्ट्री गवर्निंग गवर्निंग Corporate, it is an Indian ministry governing corporate <coughs> and allied matters. Governing corporate and allied matters. <coughs> Point number two Corporates and allied matters. Point number two The main laws governed by this ministry the main laws governed by this ministry are, are, are point number a companies act 1956 point number a companies act 1956 point number b llp act 2008 point number b llp act 2008 Point number C, Insolvency Bankruptcy Code 2016. <coughs> insolvency and Bankruptcy Code 2016. Insolvency Bankruptcy Code 2016. Next point. The ministry is run by. The ministry is run by. Ministry is run by.

आगे कंटिन्यू करना दे मस्ट हैव पास्ट दे मस्ट हैव पास्ट दे मस्ट हैव पास्ट यूपीएससी एग्जाम यूपीएससी एग्जाम नेक्स्ट पॉइंट द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री ज डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इज डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इज डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स शोर डन गाइज यहां पर आपका मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी होता है खाता इज इट वेरी क्लियर घर जाके इसको रिवाइज करना भूलिएगा नहीं ये काम की चीजें है इसको रिप्रोड्यूस करते आना चाहिए आज के लिए हम इतना काफी कर रहे हैं इज ऑल फॉर टूडे नाइस डे थैंक यू बोलो अच्छो जोर से बोलो चलो गुड डे गॉड ब्लेस यू ओम शिवाय